वेलकम एवरीवन. सो थैंक यू. आज हमारी सेकंड वीडियो है इनफैक्ट ट्यूटोरियल, और इसमें बेसिकली आज मैं पिकासो बना रहा हूँ. ये है पेंट ब्रश और ये है फॉइल पेपर. कर मैं ये रहा हूँ कि ये मेरे सामने बुकरी एम्पोरियम है, और पैकेट पे भी आप देख रहे होंगे कि वो एक और एम्पोरियम रखा हुआ है. सो मेरे पास काफी कलेक्शन है एम्पोरियम्स की, और अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, मरी भी था, ब्लैक ड्रैगन भी था. तो मुझे सबने बोला कि ये तो है, बट हाउ डू वी मेक पप्स आउट ऑफ इट. सो पप्स बनाने के दो तरीके होते हैं. एक अगर आप गौर से देखेंगे, मैंने अभी यहां पे कोकोपीट लगाया हुआ है काफी ज्यादा. सो कोकोपीट से अभी मैं ये कर रहा हूं कि इसकी रूटिंग कर रहा हूं, और आप अब करीब से अगर देखें तो इन सबकी रूटिंग, ये रूट्स आ गई हैं. तो अब जब रूट्स आ गई हैं तो मैं इसका टॉप कट करूंगा, और टॉप कट इस तरह से प्रॉब्ली करूंगा कि ये एक लीफ इस पर रहने दूंगा और बाकी यहां से इसका टॉप कट करूंगा. वो जब करूंगा तो डेफिनेटली उसकी वीडियो बनाऊंगा. सो टॉप कट इसका एक तरीका है, इसके मदर प्लांट से अलग कर लें आप रूट्स के साथ, और फिर उसको कोकोपीट में लगा दें. और दूसरा एक तरीका यह है कि ये इसको कहते हैं इनफ्लोरेंस. सो इनफ्लोरेंस पे होता क्या है कि इस पे आप बेबीज आप बना सकते हैं, और वो इस तरह बनते हैं कि ये इनफ्लोरेंस दो किस्म के होते हैं. जब ये पहले निकलता है तो ये नॉर्मली तो मेल फेज में होता है, लेकिन मेल फेज या फीमेल फेज किसी में भी आ सकता है. और किस तरह आता है, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं. सो सबसे पहले ये इनफ्लोरेंस पे अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये मेल फेज में है या फीमेल फेज में है, तो आप इस पे यू करके हाथ फेरें, और अगर ये गुईस है, मतलब ग्लू जैसा है, चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये अभी फीमेल फेज में है. और अगर ये इस तरह का है कि इस पे व्हाइट व्हाइट किस्म के देखें आप पोलन बन रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये अभी मेल फेज के अंदर है. और जैसे ही मैं इस पे हाथ फेरूंगा तो मेरी उंगली पे आप ये देखें कि पोलन लगा हुआ है. सो ये है मेल फेज. अब करना क्या है मैंने कि कभी कभार ये इम्पोरियम आधा मेल फेज में होता है, आधा फीमेल फेज में होता है, और कभी कभार फुल मेल फेज में होता है. मेरा भी फुल मेल फेज में है, तो मैं क्या करूंगा इसका कि ये फॉइल पेपर रखूंगा नीचे, और ये जितना पोलन है ये सारा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा. और पोलन एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी पोलन इस फॉइल पेपर पे आएगा उसको मैं स्टोर कर लूंगा, और उसको मैं दो तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं. एक तरीका इस्तेमाल करने का है कि मैं वो पोलन लूंगा, और उस पोलन को जब ये इनफ्लोरेंस फीमेल पार्ट में आएगा अभी कुछ दिनों बाद, तो इसका जो गुई सेक्शन आएगा उस पर ये पोलन रब करूंगा. और दूसरा तरीका ये है, फर्ज करें कि वो मेरे पास पीछे ग्रीन वाला जो इम्पोरियम रखा हुआ है एक और, या ब्लैक ड्रैगन रखा हुआ है, या ब्लैक मरी है, उनको मैं उसके इन्फ्लोरेंस का वेट करूंगा. और जब उनका इन्फ्लोरेंस आ जाएगा तो अगर मुझे हाइब्रिड क्रिएट करना है तो मैं इसका पोलन लूंगा और उस पर लगा दूंगा, और अगर उससे इसका हाइब्रिड क्रिएट करना है तो उसका पोलन लूंगा और इस पर लगा दूंगा. सो इस तरह हाइब्रिड क्रिएट होते हैं, और जाहिर सी बात है जब वो हाइब्रिड क्रिएट होगा तो जो पप आएगा वो उसमें ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा, और उसके अंदर ब्लैक पोर्शन भी होगा, क्योंकि वो हाइब्रिड क्रिएट होगा. लेकिन मैं भी क्या करूंगा कि ये हुकरी का जो ये इन्फ्लोरेंस है, जब ये फीमेल पार्ट में आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई एंथोरियम इन्फ्लोरेंस नहीं करा हुआ है, तो मैं इसी का पोलन इसी पर रब कर दूंगा. और जब इसका पोलन इसी पर रब करूंगा तो वो अपना पोलिनेशन अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो तीन हफ्ते में ये ड्राई जाएगा, और यहाँ पे छोटे छोटे बेरीज बनना शुरू हो जाएंगे रेड कलर के. और अगर आप मेरे पेज पे देखें तो एक वीडियो है जिसमें मैं बेरीज को प्लग कर रहा हूं, और फिर उसके मैंने पप लगाए थे उस वक्त आई थिंक 2 महीने पहले, और अब वो ग्रो हो गए. मैं भी उसकी भी वीडियो आखिर में ऐड कर दूंगा. सो ये तरीका है इससे पप्स बनाने का, और समरी ये है कि ये